नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। कोरोना वायरस के चलते इन दिनों पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसको लेकर मुस्लिमों ने मुहर्रम के त्योहार को अपने घरों में ही मनाया और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग भी किया। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में मुहर्रम के जुलूस को निकालने की प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने मुहर्रम के त्योहार को अपने घरों में ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। वहीं क्षेत्र अधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि पूरे शहर में शांतिपूर्ण माहौल के साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। आज हुसैन पाक की शहादत का दिन था और आज आपकी यादगार पूरे भारत में लोग हुसैन के चाहने वाले हुसैनी लोग मनाते हैं, ताज शरीफ बनाते हैं। और अब के क्योंकि प्रशासन का ये ऐलान था और हमारे क्षेत्र के माननीय कोतवाल साहब सलाउद्दीन साहब ने भी मुझसे बात की और कहा कि सैयद साहब ताज़िए करबला ना जाएं। मैंने कहा जी हाँ, इसलिए कि लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉकडाउन चल रहा है और इसमें जो है कोरोना वायरस ने महामारी फैला रखी है, सब लोग परेशान हैं, लोग इकट्ठा होंगे तो इसलिए बीमारी ज़्यादा फैलेगी। मैंने भी तमाम मस्जिदों में ऐलान कराया, अपने यहाँ ग्राम बघौरी में भी ऐलान कराया और लोगों ने उसका पालन किया। और यादगार हुसैन तो लोगों ने अपने घरों में ज़रूर बनाए लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं निकाले, अपने घरों में फातह दुरूद किया। और मैं लोगों से आगे भी अपील करूँगा कि वो हुसैन पाक की शहादत को देखें कि हुसैन पाक ने हक और सच के लिए करबला के मैदान में अपनी गर्दन तो दे दी लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। लिहाजा आज लोग हक के साथ हों, सच के साथ हों और अपने मुल्क हिंदुस्तान के कानून और कवानीन का पालन करें, इसलिए कि हमारा देश हिंदुस्तान अगर वाकई अच्छा होगा और यहाँ पर हरियाली होगी, सब जो शादाब होगा तो हम लोग यहाँ के अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। ये महामारी का दौर है, इसलिए जो भी हमारे देश के कानून हैं उससे तमाम मुस्लिम कौम उसका पालन करें, किसी तरह से उल्लंघन ना करें। जो भी शासन प्रशासन का हुक्म हो उसे माने और आगे जब तक ये महामारी चल रही है लिहाजा सब इसका पालन करें। मेरा तमाम मुसलमानों से अपील है, यादगार हुसैन बड़ी पुरसकून के साथ मनाया गया और किसी तरह से कहीं भी कोई ऐसी वारदात नहीं आई कि शोरगुल हुआ हो या किसी तरह से लोगों ने बाहर निकाले हों ताज़िए। लिहाजा मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आइंदा भी अपने भारत का जो भी कानून है उसका पालन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। का माहौल बड़ा शांतिपूर्ण है, कहीं से कोई ऐसे मुहर्रम के जुलूस की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा भी निर्देश जारी किए गए थे। कोरोना को देखते हुए कहीं भी भीड़ भाड़ या सामूहिक कोई कार्यक्रम ना हो, तो अभी तक की सूचना के अनुसार सब शांतिपूर्ण चल रहा है। कहीं से कोई मुहर्रम के जुलूस या सामूहिक कोई कार्यक्रम आयोजित होने की कोई सूचना अभी तक नहीं है।